फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो पोएम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे, आई हैड अ डव, यानी कि मेरे पास कबूतर था, इसी का आज हम कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस बाकी हैं, ग्लॉसरी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में हमने ये पोएम पढ़ी थी। पोएम जॉन कीट्स ने लिखी है और पोएम में ये कहा गया है कि किस तरह से एक बर्ड है, डव है, जो कि पोएट ने जिसको एक पिंजरे में रखा है उसको बहुत प्यार करता है, वो उसको वाइट पीस देता है खाने के लिए और कितना वो है उसे अक्सर चूमता भी है, लेकिन फिर भी वो बर्ड दुखी है। क्यों दुखी है उसको समझ में नहीं आता, बाद में उसे समझता है कि चूंकि उसकी फ्रीडम खो गई है इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुख में है। अब आइए इस पोएम के ग्लॉसरी एंड नोट्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ग्रीविंग। ग्रीविंग इज नाउन, फीलिंग सैड, इसका मतलब होता है शोक करना, किसी चीज का दुख करना। सेकेंड वर्ड इज वीविंग। वीविंग इज ऑल्सो अ नाउन, इसका मतलब क्या है, मेकिंग क्लोथ फ्रॉम थ्रेड्स, यानी धागों से कपड़ा बनाना, बुनना, हिंदी में जिसको हम बुनना बोलते हैं। Then the next word is alone. Alone is an adjective, विशेषण का शब्द है, जिसका अर्थ है without any other people, lonely, अकेला जिसको कहते हैं, तो इसका ये मतलब होता है। Off, ये एक adverb है, often, of, क्या मैंने आपको बताया भी था कि often का ही short form है of, many times, often का मतलब होता है many times, अक्सर। White peas, ये एक noun phrase है, इसका मतलब है सफेद मटर। तो इस तरह से हमने ग्लॉसरी के वर्ड्स देखे। अब देखते हैं थिंक एंड राइट। राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यहाँ पे आपको अपनी बुक में यहाँ पे वर्ड्स ये दिख रहे होंगे स्पेसेस, यहाँ पे आपको इस तरह से ट्रू फॉल्स लिखना है। तो पहला जो सेंटेंस है, द डव वाज गिवन ग्रीन पीस टू इट, यानी कि कबूतर को हरे मटर दिए जाते थे खाने को। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इसको व्हाइट पीस दिए जाते थे। द डव लिव्ड इन द फॉरेस्ट्री, कबूतर जो है फॉरेस्ट्री पे रहता था, यानी जंगल के पेड़ पे रहता था। तो ये ट्रू है कि उसका जो घर था वो पहले फॉरेस्ट के ट्री पे था, बाद में उसको केज में बंद कर दिया गया। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द डव वाज अनहैप्पी, दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी सही बात है कि डव जो है अनहैप्पी था, कबूतर ना खुश था अपनी लाइफ से। टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेंटेंसेस ये है, उनमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। Who had woven the thread in the poem? पोएम में थ्रेड जो था, धागा, किसने बुना था? A tailor, टेलर ने, a dove, एक कबूतर ने, या फिर the person who had caged the bird, व्यक्ति जिसने की बर्ड को केज में रखा था। तो यही सही ऑप्शन है कि जिस व्यक्ति ने पक्षी को पिंजरे में रखा था उसी ने वो सिल्कन थ्रेड जो है वो वीव किया था, बुना था। सेकंड है, द पर्सन हु हैड केज्ड द डव फेल्ट दैट द डव हैड नो रीजन टू ग्रीव बिकॉज़, जिस व्यक्ति ने कबूतर को पिंजरे में रखा था उसको महसूस हुआ, उसको ऐसा लगा कि कबूतर के पास कोई भी कारण नहीं है दुखी होने का, क्योंकि द डव वॉज बींग टेकन केयर ऑफ, क्योंकि कबूतर की देखभाल की जाती थी। द डव वॉज सेट फ्री फ्रॉम हर केज, कबूतर को उसके पिंजरे से बाहर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, उसे फ्री कर दिया गया था, या फिर द डव लाइक्ड टू लिव इन द केज, या फिर कबूतर को उस पिंजरे में रहना पसंद था। तो इसका सही आंसर क्या है, द डव वॉज बींग टेकन केयर ऑफ। तो जो पोएट है उसको ऐसा इसलिए लगता था कि उसके पास कोई कारण नहीं है कबूतर के पास दुखी होने का, क्योंकि डव की बहुत ज्यादा देखभाल वो करता था, इसलिए उसको ऐसा लगता। तो अब ये तो हो गए हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। आइए अब हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों, वर्ड स्टडी हमने किया था, मेकिंग न्यू वर्ड्स, किस तरह से न्यू वर्ड्स हम बना सकते हैं। राइट द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द वर्ड्स स्वीट एंड ग्रीन, यानी कि हमें शब्द लिखने हैं स्वीट और ग्रीन से संबंधित। वन एग्जाम्पल फॉर ईच इज गिवन फॉर यू हेल्प, एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देखिए, स्वीट यहाँ पे लिखा है और यहाँ लिखा है बर्ड, तो स्वीट बर्ड। इसी तरह से और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जो कि हम यहाँ 1 2 3 4 5, हमें 5 वर्ड्स और लिखने हैं स्वीट से रिलेटेड।
तो ये कौन से वर्ड हो सकते हैं? स्वीट डिश, एक आप सर्कल में लिखे स्वीट डिश, स्वीट साउंड है ना, स्वीट साउंड भी होता है, स्वीट शुगर, शुगर स्वीट होती है, स्वीट ड्रीम्स, अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि जब सोने को जाते हैं तो गुड नाइट के बाद स्वीट ड्रीम्स कहा जाता है, स्वीट ड्रीम्स एंड स्वीट टूथ। स्वीट टूथ का मतलब है जिसको मीठा बहुत पसंद होता है, तो अक्सर उसके लिए कहते हैं कि ही हैज अ स्वीट टूथ, यानी कि उसके मीठे दांत है, मीठे दांत का मतलब कि उसको मीठा पसंद है। तो इस तरह से ये वर्ड आप लिख सकते हैं, डिश साउंड शुगर ड्रीम्स एंड टूथ, ये वर्ड स्वीट के साथ यूज हो सकते हैं। अब इसी तरह से सेकेंड वर्ड है ग्रीन, ग्रीन के साथ जैसे कि लीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, लीफ यानी कि पत्ती, तो और कौन कौन से वर्ड है? ग्रास, ग्रीन ग्रास, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन फ्रेश के साथ हम अक्सर ग्रीन जो है यूज करते हैं, सिग्नल, ग्रीन सिग्नल होता है, लीफ ग्रीन तो लीफ लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट, ग्रीन ट्री, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड्स भी ग्रीन के साथ हमारे मैच होंगे। नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड की हमने पिछले अपने सेशन में एक्सरसाइज की थी, द वर्ड्स डाइड एंड ट्राइड राइम विथ ईच अदर। तो डाइड एंड ट्राइड जिस तरह से राइम करता है वैसे ही और राइमिंग वर्ड्स लिखने थे, तो वो हमने अपने पिछले सेशन में किया था। अब देखिए ग्रामर पोर्शन, एडजेक्टिव्स, आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड स्वीट टू डिस्क्राइब द डव। इस पोएम में पोएट ने स्वीट वर्ड का यूज किया है डव को, यानी कबूतर को डिस्क्राइब करने के लिए। स्वीट इज एन एडजेक्टिव, तो स्वीट जो है वो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन डव, क्योंकि ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है नाउन डव, डव यानी कबूतर, और ये एक नाउन संज्ञा शब्द है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इसी तरह से और शब्द हमें ढूंढने हैं पोएम से जो कि इसको डिस्क्राइब करता है, ट्रीज, पीस, पीट, थ्रेड, तो हम आगे इसको देखेंगे, जैसे ग्रीन ट्रीज, व्हाइट पीस, इस तरह से शब्द आए हुए हैं। अब जो है हम आगे और देखते हैं, ये एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं, इसमें भी एडजेक्टिव्स का ही यूज करना है। अब एक लास्ट एक्सरसाइज हमारी बाकी रह जाती है जिसको देखते हैं हम। देखिए बच्चों, एक्टिविटी है हमारी बड़ी मजेदार सी, वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन अ फ्यू सेंटेंसेस। तो आपको अपनी बुक में कुछ वर्ड्स दिखेंगे फोटो पे, जैसे स्पैरो है, बुलबुल है, तो इनको आपको नाम लिखने हैं और इनके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पैरेट जो है इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी है, तो देखिए आप, इट इज अ पैरेट, क्या लिखेंगे आप, इट इज अ पैरेट, इट इज ग्रीन इन कलर, इट हैज रेड बीक, यानी कि ये एक पैरेट है, इसका ये इट इज ग्रीन इन कलर, यानी कि इसका रंग हरा है, इट हैज रेड बीक, इसकी चोंच, बीक यानी कि चोंच, इट हैज रेड बीक, इसकी लाल चोंच है, इट ईट्स ग्राम एंड ग्रीन चिलीज, ये ग्राम यानी कि जो चना होता है, चना है ना, तो चना और हरी मिर्च खाता है, इट इमिटेट्स अस एंड दस प्लीजेस अस, ये हमारी नकल करता है और इस तरह से हमारा मनोरंजन करता है, हमें एंटरटेन करता है, हमें खुश करता है। तो इसी तरह से आप और भी बर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं। अब बच्चों आइए हम जो एक जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में हमने पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो ट्रीज को कौन सा वर्ड था जो डिस्क्राइब कर रहा था, ग्रीन ट्रीज है ना, देन पीस व्हाइट पीस, फीट लिटिल फीट एंड थ्रेड सिल्कन थ्रेड। सो ग्रीन व्हाइट लिटिल एंड सिल्कन आर एडजेक्टिव्स एंड ट्रीज पीस फीट एंड थ्रेड आर नाउन्स। ठीक है, तो ये वर्ड थे जो कि डिस्क्राइब कर रहे थे। Rewrite the following sentences by adding appropriate adjectives to the underlined nouns. तो कुछ nouns है उसके साथ हमें appropriate word adjective का use करना है। You can take help from the help box. ये help box में आप words देख सकते हैं, इसकी help से हमें fill up करना है। देखिए small यानी छोटा, old यानी पुराना या बूढ़ा हो सकता है, long यानी लंबा, little छोटा, sticky यानी चिपचिपा, ब्यूटिफुल खूबसूरत, रेड लाल, नॉइजी यानी शोर करने वाला, ग्रीन हरा एंड मैजिकल इज जादुई। अब देखिए सेंटेंसेस, ग्रैंडमा बॉट अ शॉल, तो यहाँ पे शॉल के साथ हमें सही शब्द लगाना है, तो ग्रैंडमा बॉट अ सिल्किन शॉल, यानी कि दादी एक सिल्किन, एक रेशमी शॉल लाई। द फ्रॉग हैज अ टंग,
यानी कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, उसकी एक टंग होती है. द फ्रॉग हैज ए स्टिकी टंग, उसकी चिपचिपी सी जीभ होती है. माई मदर वॉट अ फ्रॉग फॉर मी फ्रॉम अ मार्केट. तो फ्रॉग और मार्केट दोनों के साथ हमें न्यू वर्ड्स लगाने हैं. माई मदर वॉट अ लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है, लंबी फ्रॉक लाई मेरी माँ बाजार से. फॉर मी फ्रॉम अ नॉइजी मार्केट, मार्केट कैसा होता है, नॉइजी होता है, बाजार में शोर होता है, सो नॉइजी मार्केट. नेक्स्ट इज शी थ्रू अ बॉल दैट ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, उसने एक बॉल फेंकी जिससे कि विंडो जो था उसका ग्लास ब्रोक हो गया, वो टूट गया. शी थ्रू अ रेड बॉल, ठीक है ना, उसने एक लाल बॉल फेंकी जिससे कि ग्लास विंडो की जो ग्लास थी वो टूट गई. द फेरी टोल्ड अ टेल, फेरी यानी कि परी ने एक कहानी सुनाई, टेल का मतलब कहानी. तो अब इसका देखिए, द फेरी टोल्ड अ मैजिकल टेल, फेरी ने, परी ने एक जादुई कहानी बताई. द मैन वॉज वॉकिंग विद हिज स्टिक, आदमी अपनी छड़ी के साथ चल रहा था. द मैन वॉज वॉकिंग विद हिज ओल्ड स्टिक, ओके, तो अपनी ओल्ड यानी पुरानी छड़ी के साथ चल रहा था. ऑन द ट्री देयर वर टू बर्ड्स, तो अब इसके साथ कैसा होगा, ऑन द ग्रीन ट्री, ट्री कैसा होता है, ग्रीन, तो ऑन द ग्रीन ट्री देयर वर टू स्मॉल बर्ड्स, तो बर्ड्स के साथ हमने स्मॉल लगाए. तो इस तरह से ये वर्ड्स हम फिल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू राइट अ कंपोजिशन इन अबाउट 100 वर्ड्स. टॉपिक है हमारा, शुड एनिमल्स बी केज्ड, क्या एनिमल को केज में, पिंजरे में रखना चाहिए. एनिमल्स शुडंट बी केज्ड, एनिमल्स को, जो एनिमल्स होते हैं उनको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए. फ्रीडम इज द राइट ऑफ एवरी लिविंग बींग, क्योंकि स्वतंत्रता हर जो है प्राणी का अधिकार है. एनिमल कैन ओनली लिव हैप्पीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जानवर जो है सिर्फ अपने नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसी में खुश रह सकते हैं. स्नैचिंग फ्रीडम फ्रॉम द एनिमल्स इज वेरी रॉन्ग थिंग, तो एनिमल्स से उनकी स्वतंत्रता छीन लेना, स्नैच करना यानी छीन लेना, बहुत ही गलत बात होती है. एनिमल्स शुडंट बी डिस्टर्ब्ड इफ दे डोंट डिस्टर्ब अस, अगर कोई एनिमल हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमें परेशान नहीं कर रहा है, तो हमें भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड लेट देम लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो हमें उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए बिल्कुल फ्रीली, स्वतंत्रता से. देयर फ्रीडम शुड बी रिस्पेक्टेड, और उनकी जो स्वतंत्रता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए. तो ये इस तरह से पैराग्राफ हो गया हमारा. अब है हमारा नेक्स्ट ट्रांसलेशन. ये जैसे कि आप देखते हैं कि हर इसमें हम ट्रांसलेट करते हैं. ट्रांसलेट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इनटू हिंदी, पहला जो स्टेंजा है पोएम का उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है. देखिए, आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड, तो हम एक एक लाइन करके देखते हैं. आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डाइड, तो इसका क्या होगा, मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया, ठीक है. फिर है एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, इस लाइन का क्या होगा ट्रांसलेशन, देखिए, और मैंने सोचा कि वो दुख से मर गया होगा, ठीक है. फिर ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, तो इस लाइन का क्या होगा, पर उसे क्या दुख हो सकता था. नेक्स्ट लाइन देखिए, इट्स फीट वर टाइड विद अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माय ओन हैंड्स वीविंग, तो इसका देखिए, उसके पैर बंधे थे एक रेशमी धागे से जो मेरे ही हाथों से बुने गए थे. एक बार फिर से पूरा पढ़िए, मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया, और मैंने सोचा कि वह दुख से मर गया होगा, पर उसे क्या दुख हो सकता था. उसके पैर बंधे थे एक रेशमी धागे से जो मेरे ही हाथों से बुने गए थे. तो बच्चों, आज हमने ये पोयम पढ़ ली है, और समझ के इसका एक्सप्लेनेशन देख के हमने सारी एक्सरसाइजेस भी कर ली है. तो डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट वी हैव डन in the last session and today, I just hope that you have understood it very well. आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी. अब हम आज का ये session यही finish करते हैं. In the next session, we will meet soon with a new chapter. Till then, take care of yourself and your family. Have a nice day. Thank you and bye.